चलो भाई आज है 2 अक्टूबर है ना, 2 अक्टूबर को दो अपने इंडिपेंडेंस वाले जो लीडर हैं है ना उनका बर्थडे होता है। किस किस का? एक तो अपने महात्मा गांधी और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री है ना। इनका बर्थ कब होता है, कौन सी ईयर में? 1869 और इनका कब होता है, लाल बहादुर शास्त्री का? 1904 याद रहेगा है ना, कौन सी डेट पे? 2 अक्टूबर सोचो मत, ठीक है चलो है ना। लाल बहादुर शास्त्री और किसके लिए फेमस है? बीइंग एन लीडर जो है भाई, स्ट्रगल इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में थे वो। इसके अलावा और क्यों फेमस है ये? सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे है ना, पता है ना सबको। इन्हीं के टाइम पे जो 1962 अपना 65 वाला जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का वो हुआ था, और इन्होंने एक बहुत फेमस स्लोगन है इनका, जय जवान जय किसान है ना अपने, है ना ठीक है चलो। तो अपन देखते हैं एक चीज, आप देख रहे हो एशियन गेम्स में हम लोग अच्छे मेडल ला रहे हैं इनफैक्ट हम अगर हम दूसरी भी चीजें देखते हैं, जैसे देखो अभी हमारे जो जेवेलिन थ्रोअर है, क्या नाम है उनका, नीरज चोपड़ा ने अभी एक और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती है। और ऐसे कई जो एक तरह से देखा जाए जो कन्वेंशनल गेम्स नहीं थे उनमें हम ज्यादा अच्छा एक्सेल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखो इन सब चीजों के कारण जो अनकन्वेंशनल जो गेम्स है वो हम लाइमलाइट में आ रहे हैं। जैसे देखो एक वो लड़की जो हमने इंदौर की भी थी, वो क्या नाम है, इक्वेस्ट्रियन यानी अपने घुड़सवारी में गोल्ड मेडल ला रही है, लड़कियां हमारी वो क्रिकेट में गोल्ड मेडल लाई है, देख रहे हो आप चीजों को। फिर अपने वो अभी लॉन्ग रेस देखा है जो वो अपने क्या बोलते हैं उसको, अरे वो कौन सी रेस होती है फर्स्ट वो बीच में स्ट्रगल वो होता है, स्ट्रगल नहीं बोलेंगे हर्डल, स्ट्रगल बोल रहा हूँ है, हर्डल रेस होती है, देख रहे हैं आप सब चीजें। तो जरा पता करके आओ गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लाई थी जिसके अपने देखने को, पता करके आओ ठीक है ना, राम राम सायरे है ना सायरे ने, ठीक है सोनीपत के फिटनेस इन्फ्लुएंसर, वाह यार ठीक है। लो भाई भारत में अफगान दूत ने अपना कामकाज समेटा है ना, आपने देखा था कि भाई ये वाले एक तरह से ये वाले जो एम्बेसी है इसका तालिबान के साथ मैचिंग नहीं हो रहा, इस कारण इनको हटना पड़ रहा है, प्लस जितने भी राजदूत आपने देखा था वो अलग अलग देशों में जाके अब शरण ले चुके हैं, सेटल हो चुके हैं ठीक है चलो। नेक्स्ट है क्या है, लड़की हूं लड़ सकती हूँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या है ये, भारत ने नेपाल को आरटीएम में बिजली बेचने की अनुमति दी, ये दो पन बिजली परियोजना से उत्पन्न अपनों ने, मेरे ख्याल से मैंने एक होमवर्क दिया था आपको कि कौन कौन से मेजर जो इस तरह के पावर वाले प्रोजेक्ट्स है बिटवीन इंडिया नेपाल एंड इंडिया बांग्लादेश और इंडिया भूटान, याद आ रहा है? चलो तो इन तीनों को जोड़ लो मेजर जो पावर प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट में आपके थर्मल भी आ गया, न्यूक्लियर भी आ गया, हाइड्रल भी आ गया, सोलर भी आ गया है ना, बिटवीन इंडिया नेपाल इंडिया बांग्लादेश एंड इंडिया भूटान है ना। ठीक है देखो भाई क्या लिखा है जेएनयू की दीवारों पर, अब ये क्या है भगवा, और क्या लिखा है ये छोड़ो ठीक है। देश का भविष्य गढ़ने का एक प्रयास, शोध से जुड़ेंगे स्कूली बच्चे, चलो एक कोई नई स्कीम है प्रयास नाम से, ये पता करके आओ। देखो क्या लिखा है, प्रयास स्कीम के तहत स्कूली छात्र सिर्फ चिन्हित क्षेत्रों में शोध और अनुसंधान का काम करेंगे, एक तरह से रिसर्च को बढ़ाने का है। और अपन देख ही रहे थे एनआरएफ बिल भी आया है, याद आ रहा है क्यों रिसर्च पे ही काम हो रहा है, क्योंकि रिसर्च इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट किसी भी जगह के मतलब एक तरह से एजुकेशन लेवल को बढ़ाने का, याद आ रहा है ठीक। और अगर देखो अपन कितनी अच्छी चीज है, अगर बच्चों से ही हम लोग रिसर्च की आदत डाल देंगे तो ये हायर एजुकेशन तक जाने को इनको प्रमोट करेगा, आया ना। इसमें एक चीज ध्यान रखना, अच्छा मेन रीजन क्या है बच्चे हायर एजुकेशन पे नहीं जाते हैं,
फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जॉब सिक्योरिटी, ऐसे कई लोग हैं जिनके घर पे कोई दिक्कत नहीं फिर भी वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि देखा जाता है ल्यूक्रेटिव नहीं है, फाइनेंशियली सही नहीं है। आइए कुछ समझ में, तो गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए कि अगर उनको प्रमोट करना है तो सिर्फ ऐसे स्कीम लाने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरह से स्टाइफेंड बढ़ा दो वगैरह चीजें, ऐसे आप करोगे तो क्या है, बच्चे प्रमोट होंगे फॉर रिसर्च इन हायर एजुकेशन। समझ में आ रहा है ना? चलो लिखा है, लड़की के चक्कर में दो पक्षों के लड़की का चक्कर बाबू भैया, देख रहे हो घोस्ट फैकल्टी, क्या होता है घोस्ट फैकल्टी? ऐसा तो है नहीं कि वो वेरी नाइस, मतलब ऐसा है या तो दो है, एक तो अपनी जगह दूसरे को भेज देते हैं, या फिर होता है कि वो है ही नहीं कोई पर उनके नाम पे सैलरियां जा रही है ना। देखो 2021 में भारत ने श्रीलंका मालदीव के साथ मिलकर त्रिपक्षीय ने ट्राइलेटरल, अरे बायलेटरल कैसे होगा, ट्राइलेटरल है ना, की भारत मालदीव को सैन्य प्रशिक्षण भी मुहैया करा रहा है, यानी आर्मी को ट्रेन कर रहा है उनकी। रणनीतिक अहमियत के कारण अमेरिका वहां पूर्णकालिक दूतावास स्थापित करने की प्रक्रिया में, और इसी कारण क्या है, बीच में अब कौन आ रहा है यहाँ पे, अमेरिका के भाई क्या कर रहे हैं पता करते रहूं मैं, ठीक है। पढ़ो क्या लिखा है, समझे जो तुम बोल रहे हो अभी, वही यही तो डिप्लोमेसी है। अब आपको इनसे भी बना के रखो, क्योंकि ये देखो जो आप कर रहे हो आप अपने असेट क्रिएट कर रहे हो, अपने इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रहे हो वहां पे। तो आपने अगर मान लो आपकी आर्मी को सिखाया है तो आपको वहां की पॉलिटी से भी बना के रखना, यही तो डिप्लोमेसी है। समझ में आ रहा है ना? और देखो क्या मेन चिंता है, कि देखो भारत की प्रमुख चिंता है कि चीन के साथ ये क्या लागू कर सकते हैं, FTA। व्हाट इज FTA? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक तरह से चाइना का माल यहाँ पे ज्यादा जाएगा, इंडिया के साथ FTA नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। दूसरी चीज, चीन को मिल सकती है मालदीव के पास सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति, एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा भाई, इंडियन ओशन पे किसका प्रेजेंस बढ़ जाएगा है ना। दूसरा, भारत की मदद से चल रही करोड़ों डॉलर की परियोजनाओं का भविष्य अधर में हो सकता है। ये बोल दे कि भैया इंडिया वाली चीजें हमें करना ही नहीं, मैंने बताया था एंटी इंडिया वहां पे बात चल रही है, और किसी को मालदीव में इलेक्शन लड़ना है तो किसके खिलाफ बोल दो आप, इंडिया के खिलाफ। समझ में आ रहा है? हाँ? देखो पॉलिटिक्स हमेशा जो चलता है मेजोरिटी पे जाती है भैया, समझ में आ रहा है? देखो क्या है, सम के चार जिलों में बढ़ाया गया अफ्सपा है ना, तुम लोग सिर्फ दो ही बोल रहे थे, ठीक है थोड़ा पता करके आ जाना कि कहां कहां पे है ये, ठीक है। हाँ वाह कितनी सही बात बोली तुमने, असम की सर डिस्ट्रिक्ट में, असम में थोड़ी है हाँ तो तुम लोगों ने अरुणाचल और एक और कौन सा बताया था मेरे को, मणिपुर नहीं दूसरा एक और नागालैंड बताया था, तो दोनों में असम है कहीं पे भी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आसाम पे भी है, ढंग से पता करके आओ कहाँ कहाँ पे आस पास लागू, तुम पता नहीं करके आओ ढंग से, तू क्या बोल रहे थे को पता है ना, तू बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट पे है सर, स्टेट में है। सही में यार है ना, देखो जैसे हम लोग यहाँ गए थे डिब्रूगढ़ गए थे तीनसुकिया में, तो एक दिन पूरा रुके भी थे वहां पे, शिवसागर में मैंने बताया था ना ONGC का बहुत बड़ा प्लांट है वहां पे, ठीक है। तीनसुकिया में तो पता है मतलब सिटी के बीच में से ट्रेनें जाती है, बिल्कुल वीडियो दिखाऊंगा तुम लोगों को लगाना जरूरी हो जाता है। चलो फिर क्या है, निर्यात के लिए वंदे भारत को किया जा रहा है अपडेट, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, मतलब वंदे भारत को हम कल को क्या कर सकते हैं, इंडिया की बुलेट ट्रेन बना के, समझ में आ रहा है।
14 मिनट में साफ हो जाएगी पूरी ट्रेन। तो नाम भी क्या है, 14 मिनट में चमत्कार योजना। वाओ, ये क्या कर रहा है? ये क्या हुआ? ध्रुव हेलीकॉप्टर के खेत में, है ना? ध्रुव हेलीकॉप्टर अपन पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से। कौन कौन से हेलीकॉप्टर से अपने पास पढ़ चुके हैं ना अपन? मिराज हेलीकॉप्टर है बेटा, प्रचंड है, कल पता करके आ जाओ ना यार, कितना अच्छा है। पर भी वो भोपाल में चिनूक हेलीकॉप्टर आया है, पता है? हाँ, एयर शो हुआ है परसों भोपाल लेक पे। भोपाल में है ही क्या लेक? देखो ना, वहां पोहा है ना कुछ खाने को है ना और कुछ है, वहां सिर्फ क्या है, लेक। आप सिर्फ एक लेक से दूसरी लेक पे जा सकते हो वहां पे। अपने यहाँ कैसा है, सेम सराफा से छप्पन आ जाओ। चलो तो पता करके आओ कितने हेलीकॉप्टर है, और उसमें भी कौन से हेलीकॉप्टर जो इंडिया में बनते हैं, हम इंपोर्ट नहीं कराते, ठीक है? जैसे चिनूक हम कहां से मंगाते हैं, अमेरिका से मंगाते हैं। देखो, नवंबर को पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब, है ना, बताया था कॉरिडोर बनाया इसके लिए। कॉरिडोर समझते हो ना, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए एक जगह होती है, वो ज्यादातर कोई इनक्लेव्स पे होता है, वो सब कुछ समझ में आ रहा है? ऑब्वियस कैसा लगेगा, कोई कूद के दीवार वाले पाकिस्तान में भग गया, कुछ सोचो। वो इंडिया का पार्ट हो गया एक तरह से, समझ रहे हो आप? हमने पाकिस्तान वालों ने परमिशन दी है ना, वे इंडिया को है वहां पे। देख रहे हो कितने रुपए का है, मतलब पहले तो करोड़ में कितने जीरो होते हैं? गिन के बैठा था क्या? प्लस उसमें तीन और ऐड कर दो। वो तो बेटा तो सर पूछेंगे, ठीक है? अच्छा अच्छा समझ रहा हूँ, है ना? देख, ऐसी प्रैक्टिस नहीं चाहिए भैया हमें। अच्छा ठीक है, लो भैया अभी अपन देख रहे थे कितने। देखो ये भी एक न्यूज है आईएएस अधिकारी की, एक ही पेज पे क्या है, उड़ान के दौरान नवजात को होने वाली समस्या तो आईएएस अधिकारी और डॉक्टर ने बचाई जान। ऐसे भी अपन पेपर में आ सकते हैं, है कि नहीं? बता रहा हूं तेरे को, है ना? ना देखो अभी अपनों ने पढ़ा, एवरीबडी हैव, सही है, स्वच्छंदली ठीक है। अच्छा ये पता है, उमंगोट, उमंगोट क्लीनेस्ट रिवर ऑफ एशिया, इतनी क्लियर है कि जैसे नाव चलती है ना तो समझ में नहीं आता है कि कुछ पानी है कि हवा में उड़ रही है। उमंगोट रिवर, डॉकी रिवर भी बोलते हैं इसको, डॉकी, स्पेलिंग बताता हूँ, DAW आई, डाउकी रिवर, मेघालय में ही है, बिल्कुल मेघालय और बांग्लादेश की बॉर्डर पे। अगर थोड़ा सा और आगे चले जाओगे तब बहते बहते कहाँ चले जाओगे, बांग्लादेश। समझ आया? नहीं सिर्फ यहीं तक क्लीन है, रिवर है यार। हाँ
अभी मैंने बताया क्या है ना, आप लोगों टेंशन मत लो, आप लोग को उसमें ले जाएंगे भारत दर्शन में, यहाँ ले जाते हैं सबसे पहला आईपीएसओ को ले जाते हैं। पर आपको बता दूं सबसे बढ़िया जो भारत दर्शन होता है ना वो होता है आईआरएस का, क्यों खुद सोचो, क्योंकि देखो जहां पे लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है वहां पे पैसा जरूर है। समझ पा रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा किसको घुमाना पड़ेगा, आईआरएस को। देखो अब ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई सोना कहाँ कहाँ ले जा सकता है कोई, समझ में आ रहा है। लो भैया कोर्ट ने बच्चे का नाम रख दिया, ऐसा लगता है ना अपन बिल्कुल जैसे ये पेपर से द हिंदू पे आते तो कैसा अंतर लगता है ना, अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी। एआई का नियमन, नियमन का मतलब रेगुलेशन, और बात आ रही थी एआई को क्या किया जाना चाहिए, रेगुलेट किया जाना चाहिए, स्पेशली वो जनरेटिव एआई, याद आ रहा है, तो थोड़ा सा पढ़ लोगे इसको, है ना, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है वैसे भी। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है ना, देखो यहाँ पे लिखा है मानसिक अवसाद में आत्महत्या, अवसाद का मतलब होता है डिप्रेशन, है ना, उसमें क्या हो रहा है सुसाइड, है ना, तो इंपॉर्टेंट है ये अपने लिए। ठीक है, ये वाला आर्टिकल थोड़ा सा देख लेना, देखो फास्ट फूड का बढ़ता चलन घातक, ठीक है छोड़ सकते हो, को मिले इसका लाभ, ठीक है पढ़ लो, पता है किसके ऊपर है आर्टिकल, नारी शक्ति बंधन जो भी है वो, है ना, अधिनियम। ठीक है, ये क्या हो रहा है, शास्त्री जी ठीक है, देखो क्या लिखे है बताओ, गैर सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए लाए पीएलआई योजना, क्या मतलब हुआ इसका, देखो अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट सिर्फ सेमीकंडक्टर के लिए पीएलआई लाई है, पीएलआई पता है ना क्या है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, है ना, अब ये बोल रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन, एसोसिएशन है ना, ये बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ आप सेमीकंडक्टर के नहीं ओवरऑल चीजों पे भी क्या लेके आओ, पीएलआई लेकर आओ, समझ में आया। ठीक, एक तरह से समझ में आ रहा है, देखो क्या बोल रहा है, 5 सालों में 50% बढ़ी इलेक्ट्रिक कार, देखो क्या बात चल रही, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या चल रहा है, मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए, ये समझ गए वाला, देखा ये वो ठीक है, ये कमर्शियल है तो कहीं पे कम किया तो कहीं तो ज्यादा करना पड़ेगा ना, देखो यात्री को नहीं दी फ्लाइट रद्द होने की जानकारी, बेचारा पहुंच गया होगा, है ना, थोड़ा सा पढ़ लेना ये कैसा क्या है। ठीक है, देखो इसमें आ रहा है कि भाई लोगों को अभी भी काय में आ रहा है पेंशन और स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम आ रहा है, एजिंग वाला है अपने पास, सोशियोलॉजी में भी है और पेपर वन में भी है, तो थोड़ा सा ये पढ़ लोगे वो देख लेना कौन सा एनजीओ है, जैसे अभी हम बता रहा था हेल्पेज इंडिया है ना, इसका आप कभी भी एजिंग को लेकर यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, क्या नाम है एनजीओ का, हेल्पेज इंडिया है ना, और ये क्या बोल रहा है, कुछ डेटा देखो यहाँ पे कुछ डेटा बता रहा है, एक बार देख लोगे आप, भारत अमेरिका का रिश्ता है? है ना, श्री श्री रविशंकर क्या कर रहे हो, यूक्रेन में शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं,
इनको जानते हो ना, कौन है? सुधा मूर्ति। उनकी सास। मालिक यही है, वो बेचारे चलाते कंपनी, पैसा इनका ही है। एक मिनट, क्या क्या सही लिखा है देखो, भागीदारी यात्री गिरफ्तार, मतलब पीएम को पकड़ लिया क्या? बोले अरे छोड़ो मैं पीएम हूं। देख रहे हो द गेम है ना, अनकन्वेंशनल गेम में हम लोग मेडल ला रहे हैं, अच्छी चीज है। तवांग कहां था भैया? तवांग याद है ना, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, एक्साइल गवर्नमेंट है किसकी? तिब्बत। दूसरी चीज, ओनली डिस्ट्रिक्ट जो कितने कंट्री को टच करती है? दो। हाँ, चाइना और क्या बोलते हैं, भूटान। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 22 भारतीय भाषाओं में आयोजित होगी एसएससी की परीक्षा। यूपीएससी अभी सिर्फ दो लैंग्वेजेस में होती है, कौन कौन सी? इंग्लिश और हिंदी। अब मान लो बेचारा कोई तमिल मीडियम का आएगा तो उसको नहीं चाहते हुए भी क्या पढ़ना पड़ेगा? इंग्लिश। समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है? एक ये पिक्चर देख रहे हो आप, बंदूक को इस तरह से मोड़ दिया है ना, ये गांधी जी से नहीं जुड़ता उनसे, ये एक्चुअली है, अरे यार, एक कन्वेंशन है विच रिस्ट्रिक्ट आर्म्स डील है ना, उस पे उसका ये सिंबल है, बंदूक को मोड़ दिया। मतलब ये कन्वेंशन ये बोलती है कि देशों को जो हथियारों का जो लेन देन जो करते हैं ये करना गलत है, इससे वायलेंस बढ़ रहा है। थोड़ा सा पता करके आ सकते हो इसके बारे में? थोड़ा नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, पर ढूंढ के आओ, ये बंदूक इस तरह से बैंड है, इससे रिलेटेड है, जरा देखें। है ना, चार्ल्स डार्विन याद है? क्या? आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, वेरी नाइस। देखो अरब सागर तट बड़ा दिखा, एशियाई शेर। अच्छा चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट। अच्छा कुछ कुछ ऐसी चीजें देता है ना दैनिक जागरण भी, क्या बताए? ये क्या है, प्रॉमिस्ड इन, छोड़ो। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि उनका देश है, जिसके निर्माण में उनकी आवाज का महत्व है। अच्छा टच मून, ठीक है। ये थोड़ा सा पढ़ लेना है ना, इंडिया अफगानिस्तान वाला है ना, एक बार आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें क्या गड़बड़ चल रही है और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। कभी कुछ अपन मिस आउट कर गए तो वह हो सकता है कवर हो जाए उसमें, ठीक है। संडे को अपन वैसे भी कवर तो करेंगे ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, स्टोरिंग एनर्जी इन ब्लॉक्स, हाउ ग्रेविटी में सॉल्व ग्रीन पावर्स प्रॉब्लम, एनर्जी कंपनी इन टॉक विद इंडिया। अच्छा समझ रहे हो, ग्रेविटी से क्या बनाना है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। जरा पता करके आओ किस तरह से ये वाला हो रहा है ना, ग्रेविटी से एनर्जी बना रहे हो, सब
देखा जाए तो जो हाइडल पावर है वो ग्रेविटी पे ही काम करता है, पर दूसरा भी तो है कि नहीं। जैसे अभी एक लड़का आया था लाइब्रेरी में, वो मुझे बता रहा था इग्निशन लेस इंजन, वो पेटेंट करा रहा उसको। देखो आपको पता है व्हाट इज इंड्यूस करंट? देखो सिंपल एक चीज समझो, आपने पता है हाउ अ इंडक्शन मोटर वर्क्स? वैसे नहीं है ना। देखो इंडक्शन मोटर, अरे इंडक्शन मोटर ऐसे काम करती है, देखो जैसे अपन पानी ऊपर चढ़ा रहे हैं मोटर से, किस तरह से हो रहा है देखो, ये मोटर होती है, इसमें इस तरह का ऐसा पंप लगा रहता है, देखा है यहां से पानी जा रहा है, ये यहाँ पे इतना बड़ा जो चीज होता है ना, यहाँ पे क्या होता है देखो सिस्टम, एक ऐसी कॉइल है पूरी, ठीक है, काहे की है कॉपर की, ठीक है, और यहाँ पे बीच में एक शाफ्ट है, इस पे ये रोटर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो करोगे काहे में कॉपर में, तो जो बीच में जो चीज होती है ना वो घूमना चालू कर देती है, वो समझ में आ रहा है, बीच वाली जो चीज होती है वो मैग्नेट की बनती है, और यहाँ पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बनाते हैं, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो बीच का शाफ्ट काहे का बन जाएगा, मैग्नेट का बन जाएगा। मतलब देखो अगर आप किसी भी मैग्नेट को ऐसे ही दिखाते हैं अपन हमेशा, है ना, अगर मान लो मैग्नेट को किसी इस तरह के फील्ड में अगर आप लेके जाओगे, है ना, और मतलब यहां से करंट जा रहा है, तो ये मैग्नेट विल स्टार्ट रोटेटिंग, है ना, तो मतलब यहां से देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, आया ना, और वो मैकेनिकल एनर्जी से हम पानी चढ़ा रहे हैं, जस्ट इसको रिवर्स कर दो, पानी अभी चढ़ा रहे थे हम, पानी को क्या कर देंगे गिरा देंगे, और ऊपर वहां पे क्या लगा देंगे वो पंखा, पंखा यहाँ पे घूमेगा। देखो अभी अपनों ने पहले करंट लगाया तो गोल घुमा, अब हम क्या कर सकते हैं, गोल घुमा देंगे तो क्या बनना चाहिए यहाँ पे, करंट बनना चाहिए, इसी पे सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, समझ में आ रहा है, और ये जो करंट बना इसको बोलते हैं अपन इंड्यूस्ड करंट, किसी वजह से बना ना, ये इंड्यूस हुआ वहां पे, कुछ जैसे हरकत हुई जिसकी वजह से करंट बन गया, समझ में आया। अब इस पंखे को यहाँ पे पानी की जगह में हवा से चला दूं, भाप से चला दूं, गोल घूमेगा ये, और गोल ये घूमेगा तो क्या प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, समझ में आ रहा है किसी को, है ना, तो उसने इसी फंडे पर यहाँ पे बस क्या कर दिया, जो ये इलेक्ट्रिसिटी हुई इससे क्या बन जाएगी, एक तरह से बिजली बन जाएगी, और वो यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म लगा रहा है बस। अभी कैसा होता है देखो, स्पार्क प्लग रहते हैं गाड़ी में, मैंने उस दिन बताया था, वो इस तरह के वो पंप रहता है, वो ऊपर नीचे चलता है, और वो कैसे चलता है, यहाँ पे ब्लास्ट हो रहा होता है ना, इसी के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, उसने क्या करा इस तरह की एक एनर्जी यहाँ पे लगा दी जिसकी वजह से ये चल जाएगा। तो यहाँ पे इंजन में क्या है, फ्यूल ही नहीं है, पेट्रोल नहीं है, पर इंजन तो है, इस तरह से वो इंड्यूस करंट के ऊपर उसको चला रहा है, इस मैकेनिज्म पे चला रहा है, वो क्या है मेरे को थोड़ी बताएगा, समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है वो, देखते हैं, परसों ही मिलके गया उससे। ठीक है, ठीक है, कोई काम का नहीं इंडियन, ये काम का नहीं, ठीक है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन आइडियोलॉजी, कोई काम का नहीं। देखो क्लीननेस सेशन चल रहा है वहां पे, ठीक है, नहीं इतना, हाँ ये एक्सेप्शन होता है, मतलब स्पेशल सेशन कई बार होता है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, सर्कुलेटेड बाय स्टेट यूनियन टेरिटरीज एक्ट इज मीन टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, जरा पता कर क्या हो, एक ये देखो अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है मॉडल टेनेंसी एक्ट, तो पहले तो पता करके जो टेनेंसी लॉ है ये कौन से अपने उसमें लिस्ट में आता है, तीन लिस्ट है ना, कौन कौन सी, यूनियन, स्टेट और कॉन,
आया कुछ समझ में? तो पता करके आना, और देखो यहाँ पे कैबिनेट बना रही, यूनियन गवर्नमेंट बना रही है टेनेंसी पे, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ के आओ, उसको अपन डिस्कस करेंगे, है ना? वेरी नाइस। देखो क्या बोल रहा है, व्हाई डू आर्टिस्ट लिव लॉन्गर, अ जेनेटिक प्रोजेक्ट सीक्स आंसर। एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं ये कि भैया पारसीज इतने जीवित कैसे रह जाते हैं, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा। देखो यहाँ पे कैसे होते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय अवेस्टेगन लिमिटेड सीक्स टू कलेक्ट 10,000 सैंपल ऑफ ज़ोरोस्ट्रियन पारसीज, अ कम्युनिटी नोन फॉर लॉन्गेविटी, टू आइडेंटिफाई फैक्टर प्रीडिस्पोजिंग अदर टू कैंसर एंड डिजीज, ठीक है? फिर क्या है, पारसीज आर पार्ट ऑफ फर्म बायो बैंक। एक अच्छी चीज आई है, पता करके, व्हाट इज बायो बैंक, ठीक है? तो देखो याद रखना कौन सा प्रोजेक्ट है ये, अवेस्टा जीनोम प्रोजेक्ट। छोड़ सकते हो डिजिटल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को वेस्ट मोर डिस्क्रिशन विद गवर्नमेंट मस्ट बी कंसीडर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, कि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है उस पे, इस पे क्या हो रहा है, प्रपोज चेंजेस इन डिजिटल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कुड वेस्ट मोर डिस्क्रिशन विद गवर्नमेंट मस्ट बी रिकंसिडर। देखो क्या हो जाएगा, सारा डिस्क्रिशनरी पावर किसके पास जा सकता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, यही बोल रहे हैं ये, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्राइम एंड रीजन। देखो क्या बोल रहे हैं, मिजोरम गवर्नमेंट डिसीजन टू इग्नोर सेंट्रल कलेक्टिव बायोमेट्रिक डेटा ऑफ रिफ्यूजी शोज गुड जजमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रही है कि कोई भी रिफ्यूजी आ रहे हैं तो उनका बायोमेट्रिक डेटा, बायोमेट्रिक डेटा मतलब है ना हाथों का, और ऐसा नहीं कि उनका खून निकाल लो आप, ठीक है? तो भाई देखो किस तरह से सही बोल रहा है ये, कि मिजोरम गवर्नमेंट ने क्या करा है, इग्नोर कर दिया है सेंटर का डायरेक्टिव, है ना? अभी अपन पढ़ेंगे, अगर आप सेंटर के डायरेक्टिव को इस तरह से इग्नोर करते हैं तो आप पे राष्ट्रपति लगाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? पढ़ेंगे अपन कल को। स्लोइंग मूवमेंट क्या है, स्लोइंग मोमेंटम, इंडिया लाइक लूज सेकंड ऑफ, छोड़ सकते हो, देखते हैं ना, पढ़ो तो सही वाला क्या बोल रहा है वो। तो महात्मा धर्मा छोड़ दो, राजघाट कंसेंसस, वाह कितना अच्छा नाम दिया, राजघाट कंसेंसस, सारे G20 के लोग आए थे ना वहां पे, और उनके बीच में क्या हुआ एक, ठीक है? वेरी नाइस। ऑफ अर्जुन राम मेघवाल जानते हो, मैंने बताया था साइकिल से वो जाते हैं पार्लियामेंट, और IAS ऑफिसर रह चुके हैं ये। देखो क्या बोल रहे हैं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम विल सेट अ टोन फॉर वीमेन लेड डेवलपमेंट, ये सपोर्ट कर रहे हैं। ऊपर एक और क्या बता रहा था, कि कुछ गड़बड़ है, वो अपन जागरण में देख रहे थे अभी। देखो प्रो चाइना अपोजिशन कैंडिडेट विन मालदीव प्रेसिडेंसी डिबेट, इंडिया फर्स्ट लीडर, एक व्यक्ति था जो इंडिया फर्स्ट बोल रहा था, याद करो, ठीक है? तो अपने लिए बहुत सारे समीकरण बदल जाएंगे। देखो वहां पे मैं बोल रहा था ना, अ फाइट बिटवीन फैक्शन प्रो एंड एंटी, ठीक है? थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लेना, है ना? शटडाउन समझ में आ रहा है ना? देखो इसमें कौन सा बिल है, स्टॉप गैप बिल, जरा पता कर क्या हो ये बिल क्या है। ठीक है, क्या नाम है बिल का, स्टॉप गैप। देखो इंडोनेशिया पहला हाई स्पीड रेलवे कर रहा है, अभी ऊपर था भी ये फोटो, स्लोवेकिया के XPM, ठीक है? सुसाइड नियर, ठीक है? ठीक है,
कॉर्पस इको फॉल्टी पॉलिसीज ऑफ इन्वेजिव एक्सोटिक। अच्छा पता करके आओ भैया कौन सी ट्रीज है। अच्छा कौन सी ट्रीज है जरा पता करके आओ, है ना, कोनोकार्पस ट्रीज। और ये वाला भी देखो कि भैया कौन कौन सी पॉलिसीज इन पे काम करती है ना। देखो इसको कोनोकार्पस को एक और बोला गया है, क्या है ये, बटन वुड ट्रीज है। देखो नेटिव टू साउथ अमेरिका है। अच्छा ठीक है, देखो प्रोटेक्टिंग द प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। देखो क्या बोल रहे हैं, पार्लियामेंट्री कमिटी रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड प्योरिंग द लिस्ट ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, इफ द सजेशन इज एक्सेप्टेड ऑन व्हाट बेसिस विल मॉन्यूमेंट बी ड्रॉप्ड, व्हाट एल्स डिड द रिपोर्ट से। मतलब देखो एक पार्लियामेंट्री कमिटी बनी है, वो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि भाई सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, यानी जो गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट जिनको प्रोटेक्ट कर रही है उन पे एक थोड़ा सा चेक वापिस से एक बार रिव्यू करो उनको। तो बता रहे कि भैया किस बेसिस पे यहाँ पे किसको ड्रॉप कर दिया जाएगा और किसको एक्सेप्ट करा जाएगा, समझ में आ रहा है, है ना। देखो रिपोर्ट क्या सजेस्ट करती है, किस किस को हटा देंगे, देख रहे हो, है ना। तो पढ़ के आ जाओगे थोड़ा सा। फिर क्या है ये, हाउ गांधीज इमेज अपियर्ड ऑन इंडियन करेंसी नोट। वाओ, नोट पे गांधी जी का फोटो कैसे आया उसके बारे में, ठीक है। हाउ द इमेज सिलेक्टेड। और आपको पता है मेरे को जहां तक याद है 90s में गांधी जी का फोटो आया, उसके पहले गांधी जी का फोटो नहीं था नोट पे, अभी अभी आया ये तो ऐसे ही, मतलब वो अशोक चिन्ह था, कभी वो कोणार्क वाला वो था, और इसी तरह की चीजें रहती थी, मतलब कुछ हाँ मिक्स कर देते थे, ऐसा कुछ वो नहीं रहता था। देखो क्या है, वाई ऑनियन ट्रेडर इन नासिक आर ऑन स्ट्राइक एंड हाउ इट अफेक्ट दिस। लो भैया प्याज के दाम मेरे ख्याल से फिर गड़बड़ कुछ होने वाले हैं अब, ठीक है, ये कोई काम का नहीं है, जानते हो ना शेरपा रह चुके हैं ये G20 के, अब तो बता दो नाम, पढ़ पा रहे हो। इंपोर्ट ऑफ रशियन इराकी ऑयल टू इंडिया स्टेप्ड अप इन सितंबर। इंडिया क्रूड ऑयल रशिया इराक गेन एट सऊदी अरेबिया एक्सपेंस, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा किस पे कर रहे हैं सितंबर में, रशिया से, फिर इराक से, और सऊदी से कम करा है। अगस्त में कैसा था, देखो रशिया से था, पर एक तरह से सऊदी का भी ज्यादा था, पर सऊदी से अब सितंबर में कम हो गया है, ठीक है, -32। और कुछ है, देखो भाई क्या आ रहा है, FPI टर्न नेट सेलर आफ्टर 6 मंथ ऑफ इन्वेस्ट, 6 महीने का इन्वेस्टमेंट करा और फिर उसके बाद क्या होगा, ये सेल कर रहे हैं, ठीक है। कितना सेल कर चुके हैं अभी तक, सितंबर में 14,000 करोड़, बाप रे बाप। मार्च से अगस्त में देखो कितना पैसा जा चुका है, 1,00,000 करोड़। रीजन ऑफ सेलिंग, देखो स्टेडी डॉलर अप्रिसिएशन, डॉलर महंगा हो रहा है। फिर क्या है, स्टडी राइज इन US बॉन्ड यील्ड, मैंने बताया था फेड रिजर्व ने वो बॉन्ड का वैल्यू बढ़ा दी है। स्पाइक इन ब्रेंट क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल में पैसा डाल रहे हैं ये लोग। फिर राइजिंग US इंटरेस्ट रेट, ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इन US एंड यूरो जोन रीजन, ठीक है। देखो बहुत अच्छा दिया हुआ ये, है ना, लिख लेना ऐसा। खत्म, नेक्स्ट और देख लेते हैं और खत्म करें इसको। देखो अभी ATF का बात थी, वो आ गया। ATF बोलता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मतलब जो एरोप्लेन में जो फ्यूल लगता है, याद रखना एरोप्लेन में केरोसिन डलता है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का, है ना। तो उनके क्या है, प्राइसेस बढ़ गए। तो महात्मा गांधी का फोटो अलग नहीं लग रहा। अच्छा लो भैया कश्मीर बैट पता है ना, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बैट की कश्मीर में,
करो भाई, इंडिया स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस ऑन ग्लोबल स्टेज, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी एक बिल आया है, याद है स्टैटिस्टिकल वाला, तो थोड़ा सा पढ़ना तो बनता है। क्योंकि देखो इसमें एक और चीज आई थी, गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है ये कुछ तो भी गलत रिपोर्ट दे रहा है ना। और अगर गवर्नमेंट ही ऐसी बोलेगी तो ग्लोबल स्टेज पे क्या हो जाएगी, इनकी इमेज गिरेगी, आया ना? तो थोड़ा पढ़ लोगे, ठीक। चलो फिर क्या है, इंडिया वाज एंगेज विथ न्यू गवर्नमेंट इन मेल सॉरी माले एंड डिपेंड टाइज। देखो वो यही बोल रहे हैं कि इंडिया का काम है कि भले ही वो इंडिया से नफरत करते हैं, पर अपने को क्या करना है, अपने रिलेशन मेंटेन रखना पड़ेंगे, ठीक है। टाइम टू आर्टिकुलेट न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज फॉर इंडिया, छोड़ सकते हो, भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एजिंग इंडिया नीड्स एज रिस्पॉन्सिव टीबी केयर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर्टिकल अपने को सब सिलेबस में पॉइंट है ये, है ना। फिर क्या है, द फार्स ऑफ टोटल प्रोहिबिशन, छोड़ दो। टोटल प्रोहिबिशन समझते हो ना, इस बात का मतलब, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? टोटल प्रोहिबिशन मतलब अल्कोहल का कंजप्शन को बंद करवा देना, दुकान बंद करवा देना। फार्स मतलब होता है उसके नुकसान, सिर्फ एक नुकसान नहीं है ये पूरा। देखो कभी भी आप किसी चीज को रोकोगे ना तो वो अंडरग्राउंड चले जाता है, इलीगल ट्रेड बढ़ गया उससे, समझ में। हैव हाउसहोल्ड सेविंग रिड्यूस, उस दिन बात कर रहे थे अपन कि हाउसहोल्ड सेविंग क्या हुई है, रिड्यूस हुई है, याद है? तो ये इसमें वही आया कि क्या सच में हाउसहोल्ड की सेविंग क्या हुई है, कम हुई है। चलो देख लेंगे ये भी। फिर क्या है, लार्जेस्ट क्लाइमेट एक्शन लॉ सूट अगेंस्ट 32 कंट्री। अच्छा, 32 कंट्री को एक तरह से सू करा गया है, किस बात पे? क्लाइमेट एक्शन पे उन्होंने काम नहीं किया है। देखते हैं ये वाला भी अपन क्या है ना। फिर क्या है, हाउ गवर्नमेंट एजेंसीज आर यूज कमर्शियल स्पाइसवेयर टू टारगेट अपोनेंट, ठीक है अभी छोड़ दो, बस ये पता करके आ जाओ व्हाट इज कमर्शियल स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का मतलब सॉफ्टवेयर होता है, यानी किसी पे जासूसी करने वाला, ठीक है। Pegasus जैसे एग्जाम्पल, वेरी नाइस। इनको जानते हो, है ना? और इनको जानते हो पीछे जो बैठे हैं, दाढ़ी थी सही था ये वीडियो के बाद बात करो इस पे ना डिफरेंट ब्लेड, ठीक है। ठीक है, लो भाई देखो, पायलट क्या करते हैं, अल्कोहल टेस्ट को पास करने के लिए क्या यूज कर रहे थे, एक एक का कप वो ब्लड निकालते रहेंगे, बस वो लगाते ना, वो देखा नहीं कभी वो अल्कोहल का टेस्ट, ये परफ्यूम यूज करता, पता नहीं कैसे क्या है। देखो इंडोनेशिया की हाई स्पीड ट्रेन, वहां पे बुलेट ट्रेन आ भी गई है ना। देखो ये कौन है पता है, खालिदा जिया, ये अपोजिशन लीडर है वहां की, ठीक है। और ये हार्डकोर बोले एंटी इंडियन है, ठीक है। बैंक डिपॉजिट काम का नहीं, ये काम का नहीं, क्या पा रहे आज सोमवार ना, ये क्या गया, ठीक है। क्लूज ऑफ एंशियंट कोसी सुपर फ्लड से इट कुड हैपन अगेन टुडे, हाँ छोड़ दो, ये क्या है, हाँ मच्छर ही है, कहाँ से हेलीकॉप्टर दिख रहा है, ये कौन है फिर, जरा पढ़ के आओ। कार्मेन लाइन, कार्मेन लाइन वैसे होती है जहां से अपना एटमॉस्फेयर खत्म होता है और स्पेस चालू होता है,
तो थोड़ा सा ये वाला पढ़ लेना, अपन ऐसे ज्योग्राफी में देखेंगे क्या नाम है कार्मेन लाइन। चलो बाय बाय।